हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कमल ककड़ी की सब्ज़ी। जी हाँ, कमल ककड़ी को बहुत से नामों से जाना जाता है और ये बहुत सी वैरायटियों में बनाई जाती है। सूखी सब्जी, गीली सब्जी, अचार बनता है इसका, बहुत सारी चीज़ें इसकी हम बनाते हैं। आज मैं आपको इसकी थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना के दिखा रही हूँ और वाकई में इतनी टेस्टी है कि बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। बस आप इसको जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ ना, आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप ऐसे बनाइए। वाकई में आपको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत टेस्टी है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम ये रेसिपी बनाना। कमल ककड़ी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेम ली हैं और अब हमने मैंने इसको अच्छे से छील लिया है और आगे पीछे का इसका पोर्शन जो है काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार धो लेंगे और फिर हम इसको पीसीस में काट लेंगे। तो यहाँ पे इस आप छोटे बड़े जो भी आप साइज़ में इसको बनाना चाहते हैं ना, उस साइज़ से आपको काट लीजिए। मैंने इसको यहाँ पे नॉर्मल साइज से काटा है। और बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी अंदर से गंदी सी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा हम पानी चढ़ाएंगे और उसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। इसको बॉईल करने के 2 रीज़न है। एक तो ये कीचड़ में होती है और जो कमल का फूल होता है वो इसके ऊपर खिलता है, तो कीचड़ में होने की वजह से ये इसमें मट्टी होती है, गंदी होती है और हार्ड होती है। तो गर्म पानी में धोने से क्या होगा, एक तो उसके अंदर जो ये गंदापन है वो साफ़ हो जाएगा और दूसरा ये जो बहुत हार्ड होती है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको गर्म पानी में अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो ये अच्छे से हमारी हाफ कुक हो चुकी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करा है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करा है। इससे हमारी ये जो है अच्छे से साफ भी हो जाती है और ये सॉफ्ट भी हो जाती है। देख रहे हैं पानी कितना डस्टी हो गया है। तो ये हम इसको अलग रख लेंगे और पानी को हम फेंक देंगे। तो इसमें जब तक ये नॉर्मल हो रही है तब तक हम यहाँ पर थोड़े मसाले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करी है, जैसे कि 3 से 4 मैंने हरी मिर्च काट ली है, 2 बड़े चम्मच मैंने लहसुन को इस तरह से बारीक काट लिया है, आप पेस्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और यहाँ पे 4 टमाटर मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है, इसकी प्योरी हम बना लेंगे। 2 मैंने यहाँ पे प्याज की भी प्योरी बना ली है और 1 बड़े चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे अदरक को ग्रेट कर लिया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बना खाना बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 3 मोटी इलायची ली है उसको अच्छे से कूट लेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 3 से 4 मैंने लौंग ली है, 10 से 11 मैंने काली मिर्च ली है। और बस अब हम ये सब इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से एक दोबारा अच्छे से इसको चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम कर लेंगे और अब इसमें उसको हम मसाले को अच्छे से भूनते हुए इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने लहसुन बारीक काटा था ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। आप हर चीज़ की प्योरी भी बना सकते हैं, अच्छा जितना आप इसको पतला बनाएंगे ना मसालों को, उतना ही अच्छा आपकी जो है ये सब्ज़ी बनके तैयार होगी। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक भी सब चीज़ों को काट सकते हैं। अब मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज का पेस्ट, तो प्याज की प्योरी भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ लो टू मीडियम ही रखेंगे। प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक हमने पहले भी उबालते वक्त यूज़ किया था, थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और हमने जो बारीक हरी मिर्च काटी थी वो भी हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से लगातार भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, तो टमाटर की प्योर भी हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका थोड़ा सा और अच्छा कलर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी सब्ज़ी का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो आप इसको डाल से लीजिए। तो बस इसको हम पकने के लिए 2 से 3 मिनट के छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद बहुत ही बढ़िया से हमारा जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया ये मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने बॉयल करी थी ना कमल ककड़ी, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी अच्छे से कुक हो गई थी, यानी हाफ हमारी बॉईल हो गई थी, तो अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है
और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, कम करना है तो कम भी। आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और बस थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अब हमारी सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है, बस इसको हम पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है, बढ़िया से हमारी सब्जी भी पक चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है, और देखते ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी होगी। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये हमारी लगभग बन चुकी है, बस अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है क्योंकि हमारी सब्जी बन चुकी है। तो बस अब ये हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे और चलते हैं सर्विंग प्रोसेस पे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी कमल ककड़ी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। बच्चे भी इसको बड़े ही चाव से खाते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और इसके गुणों की तो क्या बात कहिए। और आप इसको गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, और ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें देसी घी डालेंगे तो इसके जो टेस्ट है उसमें 4 चांद लगेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी बढ़िया सी सब्जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।